भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक का आयोजन शहर के डिग्गी मोहल्ला स्थित मुरारका भवन में किया गया। भाजपा अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवेश शंकर भूतरा के सानिध्य में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 मई को प्रस्तावित नाथद्वारा यात्रा को लेकर चर्चा की गई। देहात जिला अध्यक्ष भूतरा ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं से उक्त सभा में अधिक से अधिक संख्या में नाथद्वारा पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान यात्रा में शामिल होने के लिए तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई, साथ ही पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को इस हेतु जिम्मेदारियां भी दी गई। भूतरा ने बताया कि पीएम मोदी नाथद्वारा यात्रा के दौरान मावली मारवाड़ जंक्शन ब्रॉडगेज सहित परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बैठक के दौरान सोमवार को वार्ड संख्या 55 के उपचुनावों में जीतने वाली वार्ड पार्षद हंसा कंवर तथा महेंद्र सिंह गोट का माला पहनाकर स्वागत किया। बैठक के दौरान नरेश मित्तल, पवन जैन, डूंगर सिंह रावत, मुकेश खावरी, रवि चौहान, संजय नाहर, श्री कृष्ण जांगीर, राजेश्वरी यादव, मंजू गहलोत, लीला देवी रावत सहित अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 10 मई को नाथद्वारा की पावन धरती पर पधार रहे हैं। इस हेतु आज ब्यावर भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है। ब्यावर और अजमेर देहात से हजारों कार्यकर्ता नाथद्वारा कूच करेंगे और यह हम सबका सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी के अथक प्रयासों से वर्षों पुराना जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने का ब्रॉडगेज का सपना था, मावली ब्रॉडगेज, वो सपना साकार होने जा रहा है। इसके साथ साथ राजस्थान के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, अनेक योजनाओं का शिलान्यास होगा और अनेक योजनाओं का उद्घाटन होगा। ये सारा काम राजसमंद के नाथद्वारा की पावन धरती से हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी के निमंत्रण पर पधार रहे, इसलिए उनके स्वागत और उनके आम सभा में शरीक होने के लिए कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह व उमंग।